एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में आज के दिन के बारे में जानकारियां ही जानकारियां। जी हाँ, कैसा बीतेगा दिन आपका हर तरीके से, ये आपको बताऊंगी इस वीडियो में। इस महीने का जो है कह सकते हैं अब आखिरी एक दिन और बाकी है, 30 तारीख है आज, तो कल 31 और बस ख़त्म ये महीना। तो कैसा ये बीतेगा आज का दिन जो है आपका, ये बताऊंगी मैं आपको। शुरुआत करती हूँ पंचांग के साथ। 30 तारीख है, दिन है रविवार, महीना है भाद्रपद, पक्ष है शुक्ल, तिथि है द्वादशी। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो वो है 11:55 से 12:46 तक। राहु काल शाम के 5:08 से 6:44 तक और दिशाशूल है आज पश्चिम दिशा में। तो ये तमाम जानकारी हुई अभी जो है आपके पंचांग से जुड़ी हुई। अब आपको बताऊंगी आपका राशिफल जो चंद्र राशि पर आधारित है। जी हाँ, मून साइन पे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो अगर आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो मैं आपको ज़रूर राशिफल की शुरुआत से पहले हर बार बताती हूँ कि राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होती है। तो अभी बात करेंगे सबसे पहले राशि चक्र के पहले राशि की, यानी मेष की। एरीज वाले ध्यान से सुनिए। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसी हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। आप पैसा बना सकते हैं बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। आपको परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें। जिंदगी की भाग दौड़ में आप खुद को आज खुशनसीब पाएंगे। आपका हमदम आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। आज हो सकता है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कोई रिलेटिव आपके घर आ जाए, जिसकी वजह से आपका बहुत ही कीमती समय उनकी खातिरदारी में ज़ाया हो जाएगा। आज जीवन साथी के साथ अच्छा दिन बीतेगा। प्यार, नज़दीकी, मस्ती मज़ा सब कुछ रहेगा। आज लोगों के बीच आप खुद को कभी कभी अकेला भी महसूस करेंगे। इस राशि के छात्र जो हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें आप अपने आप को जो है लोगों के बीच में रखें। किताबे कीड़ा बनने से अच्छा है कि आप समाज में जाएंगे तब भी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हर चीज़ बैलेंस्ड वे में करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर आज जो है चांदी की अंगूठी धारण करें। भाग्यस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच की ज़रूरत है। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है। आपको धन लाभ हो सकता है। जितना आपने सोचा था आपका भाई आज उससे ज़्यादा मददगार साबित होगा। खुशी के लिए नए संबंध की प्रतीक्षा करें। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन ज़्यादातर झगड़ों आदि के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन आज आपकी जो है सब कुछ आपके साथ शांत रहने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आज इस राशि की गृहिणियों का किसी घर के बुजुर्ग के साथ कहासुनी हो सकती है, ऐसे में गुस्से को काबू रखें और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। अगर आपसे बड़े हैं तो उनको आहत करने से आपको बचना चाहिए। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज जो है क्या करना है आपको, आज मीठी लाल चीज़ें जो हैं जानवरों को खिलानी है। शुभ अंक बता दिया, शुभ रंग बता दिया, उपाय बता दिया। भाग्यस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे और अब तक वो आपकी बात को टाल रहा था तो आज बिना बोले ही वो आपको पैसा लौटा सकता है। ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिले, लेकिन दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी देने से बचें। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी या लव पार्टनर से मिला कोई मैसेज आपके आज एनर्जी लेवल को दोगुना कर देगा। आज आपका एक चुंबकीय और जिंदा दिल व्यक्तित्व जो है सबके आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। आज मैरिड लाइफ में भी आपको अच्छा सच्चे प्यार का एहसास होगा। हेल्थ के लिहाज से दौड़ लगाने के अपने फायदे होते हैं, यह मुफ्त है, अच्छी एक्सरसाइज भी है। तो जो छात्र हैं आप कोशिश करें आप भी फिजिकल एक्टिविटीज शामिल करें अपने जीवन में, हेल्थ को बेटर बनाने की कोशिश करें, तभी आप पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठा करें। इस राशि की गृहिणियाँ जो हैं आज मायके से अपने ससुराल वालों की या किसी की चुगली कर सकती हैं, मायके के किसी शख्स से जो है आप चुगली कर सकती हैं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। उपाय के तौर पर आज जो है गमलों में काले सफ़ेद मार्बल के दाने रखें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की।
आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आज कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे उधार मांग सकता है, लेकिन उसे पैसे लौटाकर आप खुद आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि कभी भी उधार लेने से बचें। हमेशा अगर आपके ऊपर बोझ रहेगा, उधार रहेगा, तो कर्ज आपके माथे पर चढ़ा रहेगा। आपको कभी ना कभी उसे लौटाना है, तो इसीलिए जितना आपके पास पैसा है उसी में सही तरीके से चलने की कोशिश करें। सेविंग्स भी किया करें ताकि जब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आपके पास सेविंग्स ऑलरेडी हो। आज घर में बच्चे की बीमारी आपका मूड खराब कर सकती है। आज जो है उनको स्नेह से दुलारें, उनका उत्साह बढ़ाएं। कहते हैं प्यार में बीमारी को भी भला चंगा करने की जो है ताकत होती है, प्यार से बीमार को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों को प्यार दें, वो अपने आप थोड़ा थोड़ा रिकवर करेंगे। बाकी उनकी हेल्थ की पूरी तरीके से ध्यान रखें। आप साथ में आज जो है अपने प्रेमी के कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज जो है नई ऊर्जा का संचार होगा आपके प्रेम जीवन में। वहीं आज इस राशि के कुछ लोग अपने पैसे से, प्यार से, परिवार से दूर होकर आनंद की तलाश में जो है आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं, यानी कुछ लोग अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वहीं मैरिड लाइफ की बात करें तो आपका जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देगा। आज घर पर हो सकता है अनमैरिड लोगों की शादी की बात चले, लेकिन आपको यह बात पसंद नहीं आएगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अपने घर वालों को प्यार से मना सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कन्विंस करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो उनको कन्विंस कर सकते हैं। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार सुबह और शाम को आज उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सकें। किसी ऐसे के साथ बातचीत की कमी जिसका आपको बहुत ख्याल है आपको तनाव दे सकती है। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी को दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। अगर कहीं बाहर जाने की आपकी आज योजना थी तो वह टल सकती है आखिरी वक्त पर। थोड़ी कोशिश अगर आप और करते हैं तो जीवन साथी के साथ आज का दिन जो है आप अच्छा गुजार सकते हैं। आज कोई उलझन आपको दिन भर हो सकता है काम से रिलेटेड तंग करती रहे, बिजनेसमैन लोग को, जॉब करने वाले लोगों को। इस उलझन से दूर करने के लिए आपको अपने घर वालों से, अपने सीनियर से बात करनी चाहिए। हो सकता है उनकी बातें आपको कुछ एक रास्ता दिखा दें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज जो है क्या करना है आपको, ईश्वर में आस्था रखना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आज आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी, खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है और इसकी वजह से मन अशांत रहेगा। आज आप बहुत सारा टाइम जो है अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बिताना पसंद करेंगे। अगर अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो आज उनसे बात कर लें, उनके हाँ में जवाब आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके भी मतलब ये देख लें कि उनका मूड अच्छा है या नहीं। इस राशि के छात्र छात्रा जो हैं आज अपने कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल या टीवी पर आवश्यकता से अधिक समय ज़ाया कर सकते हैं। आपका प्यार, आपका जीवन साथी आज आपको कोई खूबसूरत तोहफा भी दे सकता है। सेहत के लिहाज से दौड़ लगाने के अपने फ़ायदे हैं क्योंकि ये मुफ्त है, तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी और वो चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी करें जो आप आराम से कर सकते हैं, घर पे रह कर के कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी सेहत आने वाले समय में बिगड़ सकती है। तो अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। उपाय के तौर पर आज इत्र, खुशबू, अगरबत्ती, कपूर आदि का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। अपने नकारात्मक रवैये के चलते आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, यह इस बात को समझने का सही वक्त है कि चिंता की आदत ने आपके सोचने की क्षमता को खराब कर दिया है। इसीलिए आपको क्या करना है, हालात के उजले पहलू की ओर देखना है, ना कि चिंतित रहना है। जितना ज़्यादा आप चिंता करेंगे जो है उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी। पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव रहें, आप ऐसा पाएंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं। आज आप घर से बाहर बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जब आप घर लौटें तो कोई कीमती सामान जो है आपका खो जाए और इसकी वजह से मूड खराब हो सकता है। बच्चे आज आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। इस राशि के बच्चे आज खेलकूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट आदि लगने की संभावना है। आपका जीवन साथी अपने दोस्तों में आज कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो सकता है, जिसके चलते आपके उदास होने की संभावना है। जिंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन करने में ही है, यह बात आज आपके जुबान पर आ सकती है क्योंकि आपके घर आज स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर
आज है क्या करना है आपको, धार्मिक स्थान में कुछ पैसे दान में देने हैं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। विदेश में रह रहे किसी रिश्तेदार से मिला तोहफा आपके लिए खुशी लेकर आएगा। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुला देता है। आज किसी नए काम के आगाज के लिए आपको पहले उसके बारे में किसी अनुभवी लोग से बात करनी चाहिए। यानी जब नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस के, अपने जो है रिसर्च के अलावा किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की भी राय जरूर लें, तभी कोई नया काम आज शुरू करें। अगर आज आपके पास समय है तो क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिले जो काम आप शुरू करने वाले हैं। मैरिड लाइफ जो है, शादी जो है, दैवीय आशीर्वाद है, आज इसका अनुभव कर सकते हैं आप। हो सकता है बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे गेस्ट आपके घर आएं जिसका आओ भगत करने में आपका मूड खराब हो सकता है। इस राशि की गृहिणियों की बात कर रहे हैं। शाम के समय कोई पुराना दोस्त भी आपको आज याद कर सकता है, उसकी कॉल आ सकती है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर आज सूर्य को प्रातः काल तांबे के पात्र से जल दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी जो है धनु राशि के जातकों की। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, फायदेमंद रहेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो स्थिति आज वैसी नहीं रहेगी जैसा आप सोचते हैं। घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में खुद पर काबू रखें। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आपका प्यार, आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से रोक सकती हैं, इसलिए चिंता को साइड में रखें। हर राशि के जातक को हम यही सलाह देंगे, चिंता करने से अच्छा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को फिगर आउट करके उस पर काम करें। बैठ के हाथ पे हाथ रख के सोचने से कुछ नहीं होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज जो है गाय को रोटी खिलाएं या गौशाला में हरा चारा दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आज आप शरारती मनोदशा में होंगे। यानी आज हो सकता है आप कुछ शरारती कर सकें। माता पिता की सेहत पर आज धन खर्च करना पड़ सकता है। धन हटाइए, माता पिता की सेहत आज बिगड़ सकती है, तो उनका काफ़ी जो है आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी लेकिन रिश्ते में ज़रूर मजबूती आएगी। माता पिता का जिस तरीके से आप ख्याल रखेंगे इससे उनको आप पे बहुत प्यार आएगा। आज फैमिली लाइफ में आज आपका जो हंसी मजाक भरा बर्ताव है ये आप सबको पसंद आएगा। आज अपने लव पार्टनर से अपने जज्बात का इजहार करने में आप मुश्किल महसूस करेंगे। अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे, आज आप उनके साथ अपने जज्बातों को रख पाएंगे। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। यानी आज जीवन साथी के साथ बहस होने के, गिले शिकवे डिस्कस होने की संभावना ज़्यादा है। अपने घर से बाहर निकलते समय अपने ज़रूरी सामान को एक बार ज़रूर चेक कर लें। आज हो सकता है आप जल्दबाजी में निकल जाएं और कुछ इंपॉर्टेंट सामान घर पे ही रह जाए। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज चितकबरे कपड़े पहने आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। चोट से बचने के लिए सावधानी से बैठें, साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना न केवल व्यक्तित्व में सुधार लाता है बल्कि सेहत और आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊपर ले जाता है। आज आपको अपने भाई बहन को जो है कि मदद से धन लाभ होने की संभावना है। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेगी। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत आज आपके लव पार्टनर की प्यारी बातों से होगी और सपनों में भी ढलेगी। यानी कि रात के समय उनके सपने भी आएंगे, कह सकते हैं ये एक तरीका है कहने का। आज दिन जो है बहुत ज़्यादा लवर्स के लिए अच्छा है। रात को ऑफिस से आते समय जो है शाम को आपको सावधानी से वाहन चलाना है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है और आप कई दिनों के लिए बीमार पड़ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी की ओर से आज कोई खास तोहफा भी मिल सकता है। दिखावा करने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो करीबी लोग दूर जा सकते हैं। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज पीले चने की दाल गाय को खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की।
नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव अपनाएं, क्योंकि नफरत की आग बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मन के साथ शरीर पर भी बुरा असर डालती है। याद रखें कि बुराई अच्छाई से ज़्यादा आकर्षक ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन उसका असर खराब ही होता है। परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से आपको आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, हालांकि इस वक्त आपको धन से ज़्यादा उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए। जब आप समूह में हो आज तो ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। बिना सोचे समझे आज आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जिसकी वजह से आपकी कड़ी आलोचना हो सकती है। आपका बेपना प्यार आज आपके लव पार्टनर के लिए बेहद कीमती होगा। दिन की शुरुआत थोड़ी थकाऊ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जब आपका जीवन साथी सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। अगर आज कुछ अधिक करने को नहीं है तो घर के सामानों को दुरुस्त करके आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज के दिन किसी ब्राह्मण को कुछ पैसे दान में दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल लौट कर ज़रूर आएं, क्योंकि कल होगा जो है अगस्त महीने का आखिरी राशिफल। अगस्त महीने का हम आखिरी दिन के बात करेंगे, कैसा बीतेगा आखिरी दिन ये जानने के लिए ज़रूर कल देखें हमारा चैनल। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बार बार चैनल पर विजिट ना करना पड़े, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि हर दिन आपके लिए हम लेकर आते हैं दैनिक राशिफल। अपने सुझाव सवाल लिखते रहें। एक बार आप सभी को आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। जिन लोगों का जन्मदिन आता है आज उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।